नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। बिहार के अररिया जिले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया में सुर्खियों का समाचार बना। वो ये था कि एक ग्रामीण पुलिस को एक किसी विभाग के राजपत्रित स्तर के बड़े पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से अपमान किया था और उससे उठ बैठ करवाई थी और अपने पैरों पर भी गिराया था। जैसे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने इसका कड़ा प्रतिवाद किया था और मामला फिर सरकार के संज्ञान में भी आया था। इस काम में पुलिस पदाधिकारी ने भी सहयोग किया था। अब मैं देख रहा हूं कि आज मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ये समाचार और ये अफवाह जोर से फैल रही है कि जिस पदाधिकारी ने उस ग्रामीण पुलिस को अपमानित किया सार्वजनिक रूप से, उसकी प्रोन्नति हो गई, उसको इनाम मिल गया और बिहार सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बिहार सरकार को कोसा जा रहा है, हमसे भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं उसको स्पष्ट करने के लिए ये 2 मिनट का वीडियो बना रहा हूं कि ये मामला गंभीर था। इसमें जिस पुलिस पदाधिकारी ने सहयोग किया था उसको उसी समय निलंबित कर दिया गया था, विभागीय कार्रवाई का आदेश दे दिया गया था, ये कार्रवाई तो हो गई थी। जहां तक उस बड़े पदाधिकारी की बात है जिस पर ये आरोप लगे थे कि उसने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसमें सरकार ने जांच कराई थी डीएम से और एसपी से, उसको दोषी पाया गया था, उस पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। कितनी बड़ी बात है आप समझिए, उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, तुरंत उसका सरकार ने संज्ञान लेकर के उसका तबादला कर दिया और प्रोन्नति नहीं हुई। बिहार में प्रोन्नति पर रोक है, हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसके कारण किसी विभाग में प्रोन्नति नहीं हो रही है, तो प्रोन्नति का कोई सवाल ही नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। उस पर एफआईआर हुआ, उसका ट्रांसफर हुआ और सरकार ने उस पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, मुकम्मल कार्रवाई हुई है। बिहार की सरकार सुशासन की सरकार है, बिहार की सरकार को बदनाम न करें और हमको जितना करना था मैंने किया और मुकम्मल कार्रवाई हुई है। राजपत्रित पदाधिकारी पर उस पर एफआईआर होना, उसका ट्रांसफर होना, इसके बाद उस पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया जाना, ये कम बड़ी कार्रवाई नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बात का खंडन करता हूं, सरकार की निंदा न करें और मैं सोशल मीडिया पर सारे लोगों के सवाल के जवाब दे नहीं सकता, यह असंभव है, तो मैं ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया। आप सबों को मेरा प्रणाम।